टू ने बहुत आसानी के साथ इस टारगेट को एक विकेट खोकर चेस किया, जिसमें कि हिमांशु जो जूनियर थे नेट आउट और 39 रन की पारी खेलकर जोरदार तालियां इनके लिए। और आज के जो हमारे इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है एनी गेसेस मिश्रा जी 3 विकेटों के साथ 3 ओवर 18 रन 3 विकेटों तक और जीते। रुकेश शर्मा प्लीज अगर इनको ट्रॉफी दें। वेल बॉल यार, डेफिनेटली आके बहुत अच्छा बॉल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मिश्रा। इतनी खतरनाक गेंदबाजी, T10 का ये मैच जिसमें लगभग 8 से 9 इकोनॉमी अगर भी देते तो भी बहुत क्यूजल गाती है, उस बीच में आपने 6 इकोनॉमी देखे, 3 सफलताएं, क्या कहना चाहेंगे 3 सफलताओं के बारे में आप? सर विकेट जहाँ तक मुझे पता है बहुत अच्छा था, बॉल जो है काफी स्विंग कर रही थी, और जहाँ तक मुझे मानना है मैंने सतीश सान हिमांशु सान के साथ काफी दिन से खेल रहा हूँ, इनसे काफी अच्छी कोचिंग ले रहा हूँ, तो इनके अगेंस्ट में जो इन्होंने इंटरेक्ट किया मैं फॉर्म उसी को फॉलो किया और उन्हीं के बिहार पे मैंने ग्राउंड पे वैसे अपनी बॉल डाली। हर एक ओवर में एक विकेट लगभग, तो जब तीसरा ओवर लेकर आए क्योंकि क्यूसल ओवर था, आखिरी ओवर था, डेथ ओवर चल रहे थे, तो क्या एक मन में चल रहा था वहां पर कि किस तरीके गेंदबाजी डालनी है, फुल हैंड डालनी है, छोटा डालना है, या किस तरीके से बल्लेबाज को दबा के रखना है और रन कम देने का भी प्रेशर होता है क्योंकि लास्ट आप ओवर डाल रहे होते हैं, उसके लास्ट ओवर में क्या कहना चाहेंगे? यस सर, वो लास्ट ओवर था, लास्ट ओवर में क्या है अधिकतर बैट्समैन जो बल्लेबाज बैटिंग करता है उनके माइंड में यही सवाल आता है कि हमें इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन करने, लेकिन उनके वजह पे हमें देखना था कि हमें अपने ऑफ स्टंप पे लाइन लेंथ डाल के कंटिन्यू रखना है और अपने हिसाब से फील्डर को रख कर उसी हिसाब से बॉलिंग करते रहना। बहुत बड़े गेंदबाजी का सबको ये नेट मैच आज के हमारे ये मैन ऑफ द मैच अरविंद मिश्रा जी, और अमर ग्रोवर के कप्तान को बुलाना चाहूंगा कि प्लीज हमें आए। बॉलिंग के डिपार्टमेंट में तो बहुत अच्छा रहा, कहीं ना कहीं बैटिंग में कुछ रन जो आपके कम बने या कुछ कहीं ना कहीं वो जो थोड़े बहुत 10-20 जो सिंगल्स डबल थे कहीं ना कहीं फर्क पड़ा उसका? बिल्कुल, उस चीज का काफी फर्क पड़ा क्वेश्चन में, मेरी तरफ से भी मैंने थोड़ा स्लो खेला क्योंकि बॉल बहुत अंदर आ रही थी शुरू में, सतीश की बॉलिंग में जोर ज्यादा उसकी, मुझे उसका ओवर निकालना है किसी का, तो मैं उसको जज कर रहा था और लास्ट में वो हिटिंग नहीं हो पाई मुझे, तो थोड़ा सा मैं मानूंगा की तारीफ करनी पड़ेगी। तो क्या आगे की रणनीति या अपने प्लेयर्स को बताना चाहेंगे क्या कमी होगी, किस डिपार्टमेंट में ज्यादा वर्क करने की हमें जरूरत है? बॉलिंग पे थोड़ा सा फोकस करना है हमें, बैटिंग लेंथ हमारी शुरुआती थोड़ा सा हमारा अच्छा लेवल है लेकिन हम उसको कवर करेंगे और बॉलिंग को सुधारेंगे क्योंकि बॉलिंग हमारी। बिल्कुल, क्योंकि आप लास्ट के रन अप रह चुके हैं तो कहीं ना कहीं आप वापसी करेंगे, आई होप बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। लाइट चली गई होगी,